स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 7 8 बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आपने खुद करने हैं। तो ये मैं आपके लिए दोबारा रिवाइज कर देता हूं, ये x + 5 पर भी अनडू है, x + 21 पर भी अनडू है और x + 60 पर भी अनडू है। सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बाय बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर। इधर जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के फॉर्म में है, ये x + 5 का रूट a है और x + 21 का अंडर रूट जो है ये b है। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab का फॉर्म में लग गया और इधर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, x + 60 आ गए। उसके बाद ये यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x + 5 यहां भी कैंसिल, x + 21 2 और ये दोनों अंडर रूट के अंदर ही आपस में मल्टीप्लाई हो गए। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 21 से मल्टीप्लाई किया 21x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया 105। ये x + 60 एज इट इज लिखा। यदि ये x और x ऐड हो गए 2x हो गए, 5 और 21 ऐड हो गए 26 हो गए, 2 एज इट इज लिखा है, x स्क्वायर और ये 21x और 5x ऐड हो गए 26x हो गए और ये 105 भी एज इट इज लिखा, x + 60 भी एज इट इज लिखा। ये दोनों जो है 2x + 26 जो है यहां से उधर माइनस कर देंगे, ये 2x से जाके माइनस हो गया, 26 के उधर आगे माइनस हो गया, ये एज इट इज लिखा है। फिर ये दोबारा ऐसे ही लिख के 60 में से 26 माइनस किया तो 24 आया और x में से 2x माइनस किया तो माइनस x आया। अब जब ये एक सिंगल स्केयर रूट रह गया तो दोबारा स्केयर लेंगे ताकि ये वाला स्केयर रूट भी खत्म हो जाए। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर ये पूरी टर्म का स्केयर और इधर 3x 34 माइनस x का स्केयर, ये 2 का स्केयर 4 हो गया और ये x स्केयर प्लस 26x प्लस 105 पे स्केयर रूट खत्म हो गया। 34 का स्केयर 1156, x का स्केयर x स्केयर माइनस 2 इनटू 34, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग गया। उसके बाद इसको जब सिंपलीफाई किया, ये 4 से पहले इन सबको मल्टीप्लाई किया, 4 को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया 4x स्केयर, 4 को 26x से मल्टीप्लाई किया 104x और 4 को 105 से मल्टीप्लाई किया 420, ये एज इज लिख दिए, इनको मल्टीप्लाई करके 68x लिख दिए। ये तीनों टर्म इधर आके साइन चेंज हो गए, 56 इधर आके माइनस हो गया, x स्केयर इधर आके माइनस हो गया और 68x इधर आके प्लस हो गया। 4x स्केयर में से x स्केयर माइनस किया 33x स्केयर आ गया, 104x और 68x को ऐड किया तो 172x आ गया, 420 में से 1156 माइनस किया तो -736 आ गया, -736 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2208 आया। फिर इनके फैक्टर में आए तो 184 और 12 को मल्टीप्लाई करने से भी यही आता है, तो इनके फैक्टर में आके 184 एंड 12, 184 के साथ प्लस है क्योंकि 172 के साथ प्लस है, 12 के साथ माइनस आया। फिर इसमें से x कॉमन लिया 3x + 184, इसमें से -4 कॉमन लिया सेम आया, ये इनको सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आ गई -184 और 3 एंड x = 4। अब चेक करना है, बार-बार चेक करना है, ये वाला मुश्किल है, मैंने बार-बार पहले x = 4 पुट कर लिया। इस क्वेश्चन में ये जो x + 5 का रूट है, x + 21 का है, x + 60 है, x की जगह 4 लिख दिया, इन तीनों में x की जगह 4 लिख दिया, 4 + 5 9 हो गया, 4 + 21 25 हो गया और 4 + 60 64 हो गया। 9 का रूट 3, 25 का रूट 5 और 64 का रूट 8, 3 + 5 भी 8 हो गया, 8 = 8, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये वाला रूट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 4x = -184 over 3, तीनों x की जगह पे वैसे लिख के -184 over 3 + 5, -184 over 3 + 21, -184 over 3 + 60, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 3 से 5 मल्टीप्लाई या 15, 3 से 21 मल्टीप्लाई या 63 और 3 से 60 मल्टीप्लाई या 180, 184 में से 15 माइनस किया -161 9 over 3, -184 में 63 प्लस किया तो -121 over 3 और यहां -4 over 3 हो गया। इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 169 का 13 आएगा, माइनस होने की वजह से साथ में होगा भी आएगा, तो ये 13 में होता और √3, 11 में होता और √3 और ये 2 में होता और √3, 11 और 11 13 में होता और 11 होता ऐड हो जाएंगे तो सेम एलसीएम है, 24 में होता और √3 इज नॉट इक्वल टू 2 में होता और √3, क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका एक्सट्रेनियस रूट हो गया। इसका जो रियल रूट है वो 4 है और जो एक्सट्रेनियस रूट है वो -184 और 3 है, तो ऐसे ही आंसर लिखना है। स्टूडेंट डायरी